बिटिया को लेके बहुत परेशान हूँ। हर चीज में ताने मारना तो मम्मी की आदत हो गई है। हर चीज में ताने मारना तो मम्मी की आदत हो गई है। जो सामान आपने मेरे लिए भेजा था वो भी दीदी को दे दिया। ठीक है। हर किसी के सामने मेरी और आपके दिए हुए सामान की बुराई करती रहती है। अब बेटा अब हम भी क्या कर सकते हैं बताओ। जो साड़ी आपने मेरे लिए दी थी ना वो भी मम्मी ने ले ली। कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो, ले ली तो कोई बात नहीं। मेरी तो जैसे कोई लाइफ ही नहीं है। ठीक है, तू चिंता मत कर। ठीक है मम्मी। ठीक है। अरे रेनू क्या बात हो गई? अरे बिटिया का फोन था। सब ठीक तो है? क्या बताऊं पूनम, बिटिया को लेके बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या हो गया? उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन आज भी त्योहार को लेकर उसके ससुराल वाले अब भी खरी खोटी सुनाते हैं। त्योहार के उसमें पूरे घर वालों के कपड़े, सामान, फल, मिठाई सबकी डिमांड करते हैं। शुरू शुरू में तो ठीक था, बताओ इतने टाइम बाद इतने सामान की डिमांड भला कौन करता है? कोई बात नहीं, दुखी मत हो तू, सब ठीक हो जाएगा। सामान भेजो तो उसमें भी नखरे दिखाते हैं, उसमें भी खरी खोटी सुनाते हैं। कई बार तो दिए हुए कपड़े वापस लौटा दिए, कहने लगे ये कोई कपड़े हैं, इन्हें तो हमारा कोई नौकर भी ना पहने। और हद तो तब हो गई, अब की बार बिटिया को साड़ी दी थी वो भी ले ली सास ने, कहने लगी अपनी माँ से और ले लियो। कहाँ से करेंगे ये सब हम, पहले तो इनकी भी नौकरी थी, अब तो ये भी रिटायर हो चुके हैं। नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा, खूब खुश रहो, खूब फलो फूलो, खूब अपने सास ससुर की सेवा करो। और बेटा? जी मैं ठीक हूँ। तेरे मम्मी पापा ठीक हैं? मम्मी पापा भी ठीक हैं। अब तो तेरे पापा भी रिटायर होने वाले हैं ना? वो अगले महीने हो जाएंगे। तेरी बहन भी एक कुंवारी है ना अभी तो? हाँ एक बहन है अभी कुंवारी। बस मम्मी पापा को बस उसी की टेंशन रहती है थोड़ी। कोई लड़का हो तो आप बताना मुझे। ठीक है बेटा, कोई लड़का होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है चाची जी। चाय के साथ कुछ और भी ले आती? जी मम्मी जी। जी मम्मी जी, आई बड़ी जी मम्मी जी वाली। अच्छा बेटा, एक हमारी बहू है, क्या बताऊं, एक भी त्योहार जो इसके घर से ढंग का आता हो, पता नहीं किन कंगलों के यहाँ फंस गया मेरा बेटा। अच्छी खासी शर्मा जी की बेटी से शादी हो जाती तो इतना सारा दहेज लेके आती, लेकिन नहीं, अड़ गया, मुझे तो इसी से शादी करनी है। खैर जो नसीब में होता है ना वही मिलता है। मैं दुखी हो रही हूँ और तू हंस रही है। मैंने तेरे जैसे मूर्ख औरत नहीं देखी आज तक। क्या मतलब? और नहीं तो क्या? देख जो तेरी बेटी के साथ हो रहा है वो गलत है और जो तू अपनी बहू के साथ कर रही है वो सही है। मैं समझी नहीं। देख रही हूँ, जो तेरी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले कर रहे हैं, जो लेन देन के पीछे उसको सुना रहे हैं वो गलत है, और जो तू लेने देने के पीछे अपनी बहू को सुनाती है वो सही है। अरे पगली ये तो सोच, तेरी बहू की तो अभी 3 बहनें और हैं, एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ रहा है, बाप रिटायर होने वाला है, कमाई का और कोई साधन नहीं है, वो कहाँ से करेंगे? देख रेनू, हम है ना समाज को तो नहीं बदल सकते लेकिन खुद को बदल के उसकी शुरुआत तो कर सकते हैं ना। देख रेनू,
हमारे समाज को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल के उसकी शुरुआत तो कर सकते हैं ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइफ मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।